भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में माननीय सभापति के सामने शिमला जिला में स्थापित हवाई अड्डे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिमला शहर एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और पूरे विश्व के मानचित्र पर पहचान रखता है। जब से कोविड का कठिन समय देश में आया था, तब से इस हवाई अड्डे पर हवाई सेवाएं रोक दी गई थी। 2020 से अभी तक शिमला के हवाई अड्डे पर कोई विमान नहीं उतरा है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ा है। सुरेश कश्यप ने लोकसभा में बताया कि शिमला में एयर एलाइंस का ATR 42 एयरक्राफ्ट आता था, जो आते समय 30 से 35 यात्रियों को लाता था और वापसी पर 8 से 10 यात्रियों को ले जाता था। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सिफारिश करते हुए कहा कि शिमला के लिए हवाई सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा। सांसद सुरेश कश्यप ने कुछ समय पहले शिमला हवाई अड्डे की एक बैठक भी ली थी, जहां उन्होंने संदर्भ में सभी समस्याओं पर चिंतन भी किया था। कश्यप ने कहा था कि जल्द ही वह लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। शिमला के लिए इस प्रकार की सुविधा की लंबित मांग है और इसे जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। श्री सुरेश कश्यप जी, मेरा नहीं आया। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा संसदीय क्षेत्र शिमला, और शिमला में एक हमारा ऐतिहासिक शहर है जो पर्यटन की दृष्टि से आज विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है। 2020 में जब से कोविड आया है, तब से यहाँ हवाई सेवाएं बंद हैं। यहाँ पर एलाइंस एयर का ATR 42 हवाई जहाज आता था और अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन कोविड के बाद हवाई सेवाएं बंद होने के बाद यहाँ ये दोबारा से सेवाएं शुरू नहीं हुई। जब स्थिति सामान्य हुई उस समय भी यहाँ हवाई सेवाएं बंद रही हैं। पहले ATR 42 30 से 35 लोगों को लेकर आता था, लेकिन वापसी में केवल 8-10 लोगों को ही लेकर जा सकता था, क्योंकि हवाई पट्टी जो है वो छोटी थी, लेकिन अब उसको बड़ा भी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हवाई सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि यहाँ शीघ्र अति शीघ्र हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएं, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके और आम लोगों को सुविधा भी मिल सके। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। या तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।